हिंदुस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता दिनों गाजियाबाद के कारोबारी भी इस वायरस से मुतासर पाए गए हैं। इसके साथ ही आगरा के 6 में से 5 मरीजों में टेस्ट के बाद कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। चीन से होते हुए दुनिया के अलग अलग ममालिक में पहुंचा कोरोना अपनी तबाहकारियों से लोगों को डरा रहा है। गुज़श्ता 72 घंटों में हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 30 हो गई है, जिसमें सबसे ताज़ा मामला गाजियाबाद का है। मरीज में कोरोना वायरस पाए जाने की तस्दीक हो चुकी है। कोरोना से मुतासिर ये मरीज 23 फरवरी को ईरान की राजधानी तेहरान से वापस लौटा था। यूपी में आगरा के 6 मरीजों में से 5 में वायरस की तस्दीक हुई है। पुणे की लैब ने एक मरीज को निगेटिव करार दिया है। गाजियाबाद का केस जो हमारा अंतिम केस है, 30वां केस है, उनकी ईरान की ट्रैवल हिस्ट्री है। वो उनकी निगरानी की जा रही थी, जब इनको कुछ सिम्टम्स डेवलप हुए बुखार का और सोर थ्रोट का, तो ये 3 मार्च को इन्होंने रिपोर्ट किया आरएमएल में और इनकी जांच हुई और 5 मार्च को इन्हें इनकी जांच पॉजिटिव पाई गई। मुल्क में फिलहाल 100 लोगों के सैंपल की जांच चल रही है। इनमें से कई नमूनों को फिर से जांच की जा रही है। मुल्क के सभी एयरपोर्ट पर 300 डॉक्टर्स तैनात किए गए हैं। अब तक करीब 7,000 फ्लाइट्स से आए लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। मरकजी वजीर बराए सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने पार्लियामेंट में कोरोना के खतरे से निमटने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुल्क में इसके सद्भाव के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। इंडिया इनिशिएटेड रिक्वायर्ड प्रिपेयर्डनेस एंड एक्शन एट फील्ड लेवल सिंस 17th जनवरी इटसेल्फ। आई वांट टू इन्फॉर्म दिस हाउस दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग ऑल नेसेसरी मेजर्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द कोविड-19 इन इंडिया। कोरोना वायरस अब तक दुनिया के मुख्तलिफ 80 ममालिक में फैल चुका है। 14 ममालिक में कोरोना वायरस से 3,286 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ चीन में ही 3,000 से ज्यादा लोगों की जाने गई। दुनिया भर में 95,748 लोगों में कोरोना के जरासीम पाए जाने की तस्दीक हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली हुकूमत ने कोरोना वायरस के सबब दिल्ली के सभी 5वीं तक के स्कूलों को 31 मार्च तक के लिए बंद करने का फैसला लिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि राजधानी में सभी प्राइवेट और सरकारी प्राइमरी स्कूल 31 मार्च तक बंद रहेंगे। हुकूमत हिंद ने कोरोना वायरस से निमटने के लिए जंगी पैमाने पर तैयारी की है। कोरोना वायरस ज्यादा न फैले, इसके लिए मरकजी हुकूमत ने ट्रैवल एडवाइजरी को और सख्त कर दिया है। इटली और जनूबी कोरिया से आने वाले लोगों को अब इसका सर्टिफिकेट देना होगा कि वो कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं है। सरकार ने कोरोना वायरस से निमटने के लिए सभी निजी अस्पतालों को तैयार रहने और जरूरत के मुताबिक आइसोलेशन वार्ड का इंतजाम करने को कहा है। सेंट्रल स्कूल के साथ साथ दिल्ली नगर निगम के प्राइमरी स्कूलों ने एहतियात के तौर पर राजधानी के सभी 5वीं जमात तक के स्कूल 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए हैं। दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर रोक लगा दी है। कोरोना वायरस के बारे में हमने एडवाइजरी जारी की है, हर स्कूल में किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमने अभी निर्णय लिया है कि 5वीं तक के सारे स्कूल बंद किए जाएंगे। 31 मार्च तक 5वीं क्लास तक के सारे स्कूल्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सभी नगर निगम, सभी के स्कूल्स 5वीं क्लास तक के बंद रहेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते असर को देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम का अपना दौरा मुलतवी कर दिया है। पीएम मोदी हिंदो यूरोपियन यूनियन समिट में शामिल होने के लिए ब्रुसेल्स जाने वाले थे। वजारत दाखिला ने सरहद के 6 सूबों को खास एहतियात बरतने की सलाह दी है। इसके तहत पाकिस्तान से आ रहे ट्रकों के ड्राइवर्स की अटारी बॉर्डर पर स्कैनिंग की जा रही है। दूसरी तरफ ईरान के सिफारतखाने से ये जानकारी शेयर की गई है कि आज एक खाली तैयारा तेहरान से भारत आएगा और यहाँ मौजूद ईरानी शहरियों को वापस ले जाएगा। दिल्ली मेट्रो ने भी ट्विटर के जरिए कोरोना के बारे में किसी तरह की जानकारी देने के लिए 24/7 टोल फ्री नंबर शुरू किया है। ये नंबर है 011-23-97-8046। इसके साथ ही फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने ये वाज़े किया है कि कोरोना मुतासिर ममालिक से आने वाला खाना पूरी तरह से जांचा परखा हुआ है और इसे खाया जा सकता है। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने एक कमेटी भी तश्कील की है जो गैर मुल्की खाने की अशिया की जांच करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।